हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन बी, और ये इस सेक्शन बी का यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है, सैलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल। और इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये इस चैप्टर से रिलेटेड सेकेंड पार्ट है। क्लियर? चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो में हमने, फर्स्ट पार्ट में हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन एंड क्रिएटेड है, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे क्या किया है, बनाया है, फ्रेम किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कि ब्रिटेन का है, उसको अडॉप्ट किया गया है। इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को डायरेक्शन या गाइड करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, वेलफेयर हो या वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश किया जाए। जो सोशलिस्ट स्टेट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है, अडल्ट फ्रेंचाइजी अवेलेबल है, यानी जो भी पर्सन ऑफ 18 या अबो 18 ईयर्स का है तो उसे राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया है। सेकुलर स्टेट है, यानी हमारे स्टेट का कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन है वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए क्या है, फ्री है। ठीक है, तो इस तरह से इसे फर्स्ट पार्ट में हमने इन 10 करेक्टरिस्टिक या फीचर्स को पढ़ा था। अब इस वीडियो के इस पार्ट में हम इसके आगे के फीचर्स की बात करते हैं। चैप्टर के इस पार्ट में हम इसके जो रेस्ट ऑफ द फीचर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे फीचर्स हैं वो है डिस्टिंग्विश्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, और उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है, किस तरह से है, तो इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद एडवोकेट ऑफ वर्ल्ड पीस, यानी विश्व शांति को एडवोकेट करता है, उसको बढ़ावा देता है। इमरजेंसी प्रोविजंस या इमरजेंसी पावर्स ऑफ द नेशन, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल जो नागरिकता है वो प्रोवाइड की गई है इंडियन सिटीजन को। आइडियल ऑफ इस्टेब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट, यानी वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे आइडियल्स हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अडॉप्ट किए गए हैं। रिमार्केबल फ्यूजन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल एलिमेंट्स, यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी के साथ साथ फेडरल एलिमेंट्स को भी क्या करता है, उसको भी कंबाइन किया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है लेकिन फेडरल के साथ साथ यूनिटरी जो फॉर्म है उसको, उसके भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको इसमें इंक्लूड किया गया है। स्पेशल प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस, इसके अलावा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी जो अल्पसंख्यक जितने भी रिलीजन हैं या बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा जो लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कि हारमोनी बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यानी पार्लियामेंट सुप्रीम है लेकिन उसको जुडिशियल रिव्यू जो इंडिपेंडेंट जुडिशियल है तो दोनों के बीच में हारमोनी या कॉर्डियल जो रिलेशन है, जो अच्छे संबंध है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की गई है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनकी इस वीडियो में, इस पार्ट में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज डिस्टिंग्विश्ड कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्टिंग्विश्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि विलक्षण, विलक्षण यानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही क्या हो, अच्छा हो, ठीक है। तो क्यों अच्छा कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या को बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं उनको इंक्लूड करके बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो इंक्लूड किया गया है तो कौन कौन सी बेस्ट क्वालिटीज़ को, जो हमारे फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं या जो लोगों की हाइस्ट एक्सपेक्टेशन है उनको इंक्लूड किया गया है। और ये इतना ज़्यादा स्पेशल है, इतना ज़्यादा डिस्टिंग्विश है कि साउथ अफ्रीका ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के समय इसे एज ए मॉडल क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है या एज ए मॉडल इसे अडॉप्ट किया है, क्लियर, फॉलो किया है। अब कौन कौन से इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे डिस्टिंग्विश बनाते हैं यानी स्पेशल बनाते हैं, तो जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेन पावर है, सॉवरेन का मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सुप्रीम पावर है वो किसको प्रोवाइड की गई है, पीपल ऑफ द इंडिया यानी भारत के लोगों को, यानी हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म करने का, उसको रिमूव करने का या किसी भी तरह का इनएक्ट या रिजॉल्व करने की जो पावर है किसके पास है, पीपल के पास, लोगों के पास। किसी भी बाहरी जो दूसरी कंट्रीज हैं उनका इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी तरह का प्रेशर हमारी कंट्री पे नहीं है रिगार्डिंग एनी डिसीजन। किसी भी डिसीजन को लेना है तो किसी भी आउटर या जो अदर कंट्रीज है उसका अंडर प्रेशर या उसका कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, तो दैट इज द मेन करेक्टरिस्टिक सॉवरेन। उसके अलावा डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेट मीन्स द गवर्नमेंट होगी वो कौन इलेक्ट करेगी, बाय द पीपल,
लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाएगी, ठीक है। एंड सेकुलर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटी, सेकुलर का मतलब क्या है कि सेकुलर मतलब धर्म निरपेक्ष, यानी हमारे स्टेट का कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन या ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। किसी भी रिलीजन के इंटरनल जो मैटर्स होते हैं उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारी गवर्नमेंट है, हमारा स्टेट है, वो इंटरफेयर नहीं करता है। यहाँ पे ईच एंड एवरी जो रिलीजन है उसको इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी या इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। फंडामेंटल इंडियन सिटीजन को जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करके लीगल राइट्स बना दिया गया है, और उसका जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 300K, ठीक है। तो आर्टिकल 300K में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव करके बाय द 44th अमेंडमेंट 1978 उसे कौन सा राइट बना दिया गया है, उसे बना दिया है लीगल राइट। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 300K, क्लियर, तो ये याद रखना है। उसके अलावा स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए, गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं। और ये कौन से कंट्री से इंक्लूड किए गए हैं, तो ये इंक्लूड किए गए हैं कंट्री ऑफ आयरलैंड, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिंगल सिटीजनशिप है, क्लियर, यानी जो भी हमारी जो कंट्री है वो फेडरेशन यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे। तो जो भी कंट्रीज है वो फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं, वहाँ पे ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है कि वहाँ के सिटीजन्स को 2 टाइप्स ऑफ जो सिटीजनशिप है वो प्रोवाइड की जाती है, एक सिटीजनशिप सेंटर की और दूसरी सिटीजनशिप स्टेट की। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करने के बावजूद भी जो देश लोग हैं सिटीजन्स हैं उनको सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाते हैं, वेरी मच डिस्टिंग्विश या स्पेशल, क्लियर। द नेक्स्ट फीचर इज रिमार्केबल फ्यूजन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल एलिमेंट्स, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के लिए यूनिटरी और फेडरल दोनों एलिमेंट्स को के कॉम्बिनेशन को क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। कैसे किया गया है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द मीन ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल लेवल पे और दूसरी गवर्नमेंट होती है वो कहाँ पे होती है, स्टेट लेवल पे, ठीक है। और दोनों के जो अपने ज्यूरिडिक्शन है, जो पावर्स है, जो फंक्शन है, वो क्या होते हैं, अलग अलग एरिया में होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फेडरल फॉर्म में, तो फेडरल फॉर्म में जो गवर्नमेंट होती है, तो फेडरल सिस्टम में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास अपनी खुद की एक पावर होती है, ठीक है। और ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है इसके लिए आंसरेबल नहीं होते अपने उन फंक्शन के लिए। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो नेशनल लेवल की बात करें तो 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक नेशनल लेवल जिसको कि यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं और दूसरी स्टेट लेवल जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों को जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या की गई है, प्रोवाइड की गई है। और पावर्स कैसे प्रोवाइड की गई है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पावर्स है वो 4 लिस्ट में डिवाइड की गई है, 1 इज यूनियन लिस्ट, 2nd इज स्टेट लिस्ट, ठीक है, 3rd इज कॉन्करेंट लिस्ट एंड 4th इज रेसिडुअल लिस्ट, ठीक है, रेसिडुअल, क्लियर। तो यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड किए गए हैं जिन पे लॉज या जो भी फंक्शन पावर्स है वो किसको है, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट को है। और यदि स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे रूल या लॉज या फॉर्म जो भी लॉज या रेगुलेशन बनाने का जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। कॉन्करेंट की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पे लॉज बनाने की अथॉरिटी दोनों गवर्नमेंट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। पर यदि दोनों ही गवर्नमेंट ने किसी एक सब्जेक्ट पे लॉज बनाया है और दोनों की लॉज यदि आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो यूनियन गवर्नमेंट की जो लॉज होगी उसको प्रेफरेंस दी जाती है, क्लियर। और रेसिडुअल लिस्ट है, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय ये रेसिडुअल लिस्ट नहीं थी, ये न्यू इंक्लूड हुई है। और इस रेसिडुअल लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है जैसे कि साइबर क्राइम है और इस पे लॉज बनाने का जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है, क्लियर। यानी यूनियन गवर्नमेंट को यूनियन लिस्ट पे, कॉन्करेंट लिस्ट पे और रेसिडुअल लिस्ट पे, तीनों लिस्ट पे जो लॉज बनाने का क्या है,
राइट्स है। इसके अलावा स्टेट लिस्ट के भी कुछ सब्जेक्ट हैं, उसमें भी कुछ प्रोविजंस हैं कि जब चाहे तब हमारी यूनियन गवर्नमेंट उनमें मेंशन उसमें मेंशन सब्जेक्ट पे भी क्या बना सकती है, लॉज बना सकती है। तो इस तरह से जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक है हमारी नेशनल लेवल पे जिसको कि नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं और दूसरी स्टेट लेवल पे जिसके जिसको कि हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस तरह से जब गवर्नमेंट है वो टू लेवल्स की होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर। तो इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है। इसके अलावा जब हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकती है। इसका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कि इन मोस्ट फेडरेशन देयर इज ड्यूअल सिटीजनशिप। ठीक है, यानी ज़्यादातर जो फेडरेशन होते हैं उसमें ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, यानी दो ही नागरिकता होती है, एक तो नेशन की और दूसरी स्टेट की। जैसे कि यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो सिटीजन्स हैं उनको टू टाइप्स ऑफ जो सिटीजनशिप है नागरिकता प्रदान की गई है, एक यूएसए की और दूसरी पर्टिकुलर स्टेट की, यानी जिस स्टेट में। इस तरह से टू वे से जो वहाँ के लोग हैं वो क्या होते हैं, बेनिफिट्स यानी है उनको फ़ायदा होता है, हेल्प होती है। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती हैं, एक ही यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी एक ही होती है, और इसके अलावा इसकी सब यूनिट होती हैं जो कि इसको सबॉर्डिनेट करती हैं, इसकी हेल्प करती हैं। सारी की सारी जो पावर होती है वो किसके पास होती है, यूनिटरी जो गवर्नमेंट होती है यूनिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पास होती है, और ये अपनी पावर को क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अपनी खुद की पावर नहीं होती, और यूनिटी गवर्नमेंट जब चाहे तब जो स्टेट पावर स्टेट गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करती है, और जब चाहे तब वो उन पावर को क्या कर सकती है, स्नैच कर सकती है या उसको रिड्यूस कर सकती है। इसके अलावा सेंट्रल जो गवर्नमेंट है जिसको यूनिटरी गवर्नमेंट कह रहे हैं वो लोकल गवर्नमेंट को जब चाहे तब कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। इसका जो सिग्निफिकेंस है या स्कोप है ये क्या है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है। तो ये है हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स है जो एलिमेंट्स ये शो करते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी और फेडरल एलिमेंट्स का क्या है, फ्यूज़न है। तो बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके पास ये चैलेंज था आफ्टर द इंडिपेंडेंस कि कैसे हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी और यूनिटी को मेनटेन रखा जाए। क्यों था, क्योंकि जब 3 जून 1947 को यदि आपको पता हो तो माउंटबेटन प्लान आया था। ठीक है, माउंटबेटन प्लान जिसको कहते हैं, और माउंटबेटन प्लान क्या था, इन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया को क्या दे देंगे, इंडिपेंडेंस दे देंगे, और इसके साथ ही इंडिया को टू डोमिनियन स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक इंडिया में और दूसरा पाकिस्तान में। क्लियर। और इसके साथ ही जितने भी प्रिंसिपल स्टेट थे जिनके साथ ब्रिटिशर्स ने अपनी सब्सिडरी अलायंसेस कर रखी थी, संधियां कर रखी थी, उन सारी संधियों को भी कैंसिल कर दिया, और ये अनाउंस किया गया कि जो प्रिंसिपल स्टेट हैं वो अब फ्री है, उनका ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी क्या है कंट्रोल नहीं है, और वो चाहे तो इंडिया में पाकिस्तान इंडिया में मर्ज हो और चाहे तो पाकिस्तान में। तो इस तरह से जो उस समय हमें पता है कि मोर देन 565 प्रिंसिपल स्टेट थे, और माउंटबेटन प्लान के बाद ईच एंड एवरी जो प्रिंसिपल स्टेट से वो क्या रहना चाहता था, फ्री रहना चाहता था, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। तो इस बिहा पे हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे और मेन इसमें जो लीड रोल जो प्ले किया है वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसा कि हम जानते हैं कि इन्हें आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, और इन सारे प्रिंसिपल स्टेट को जो इंटीग्रेट या मर्ज करने का काम है वो उन्होंने किया है। तो इस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस तरह से हमारे इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखा जाए। तो हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन करने के लिए फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसको अडॉप्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने के बाद भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इसके यूनिटरी गवर्नमेंट्स को क्या कर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके बिहाव पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी और फेडरल एलिमेंट्स का क्या है, फ्यूजन है। तो बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं कि जितने भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे टू कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉर द नेशन यानी कंट्री के लिए, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी खुद कि अलग अलग स्टेट के लिए अपना खुद का होता है। जैसे कि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में एक जो इस कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेशन के लिए, जिसमें कि 7 आर्टिकल्स है, और वहाँ ईच एंड एवरी जो स्टेट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उसका संविधान अलग है।
लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन है और वो भी सेंटर के लिए है, लेकिन ये एप्लीकेबल है बोथ सेंटर एंड स्टेट पे। तो इस तरह से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एलिमेंट को अडॉप्ट करने के बाद भी हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, स्टेट और सेंटर दोनों के लिए क्या है, सिर्फ एक ही है। दोनों के जो फंक्शन है, पावर है, रिस्ट्रिक्शन है, बाउंडेशन है, वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। और इसी के कारण से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथियस, वर्ल्ड का लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन भी हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट है इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जो हमारी जुडिशरी है उसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से क्या रखा गया है, इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट रखा गया है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सुप्रीम है। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारी पार्लियामेंट या हमारे लेजिस्लेशन ऐसा कोई भी लॉ बनाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जो उस जो हमारी जुडिशरी है उस लॉ को क्या कर सकती है, उसको इनवैलिड या इलीगल या रिजेक्ट कर सकती है। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है इन कंपेरिजन टू द पार्लियामेंट। क्लियर। सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है, जैसा कि जो फेडरल सिस्टम है उसका एक प्रिंसिपल है कि फेडरल सिस्टम में टू टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है, सिटीजनशिप को एक नेशन की और दूसरी स्टेट की, ठीक है, यानी एक सेंटर की और दूसरी स्टेट की। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, यानी यहाँ पे जो इंडियंस हैं उनको, वो चाहे किसी भी स्टेट में रहे, जो इंडियंस हैं यानी भारतीय की जो नागरिकता है वो प्रदान की गई है। इसके अलावा पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज स्टेट, यानी पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो जो स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी इंडिया स्टेट्स का यूनियन है, लेकिन इस यूनियन से किसी भी स्टेट को अलग होने का राइट या अधिकार नहीं है। इस तरह से जो स्टेट्स के पास पावर नहीं है कि वो इस यूनियन से अपने आप को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू यूनियन गवर्नमेंट फॉर फ्रेमिंग लॉज ऑन रेसिडुअल सब्जेक्ट, जो भी रेसिडुअल सब्जेक्ट है, रेसिडुअल मतलब जो अति विशिष्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सब्जेक्ट पे लॉज बनाने का जो राइट्स है वो किसको दिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है। इस भी आप पे ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी है, उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉज ओवर द कॉन्करेंट लिस्ट, और इसके अलावा जो कॉन्करेंट लिस्ट में यदि कोई भी लॉज बनाया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट को राइट होता है कि वो इस पर लॉज बनाए, पर यदि दोनों के लॉज में यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतभेद होता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी लॉज को क्या दी जाती है, प्रेफरेंस और इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो इस भी आप भी जो सेंटर है उसको क्या किया गया है, मोस्ट पावरफुल कराया गया है। देयर आर थ्री इमरजेंसी पावर, तीन तरह की इमरजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, इम्पोज कर सकती है ओवर द कंट्री और ए पार्ट ऑफ कंट्री। तो इस इमरजेंसी पावर्स के थ्रू भी सेंट्रल को जो है वो इम्पॉर्टेंट पावर या मोस्ट पावरफुल बनाने की क्या की गई, कोशिश की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हुए भी कई बार कुछ प्रोविजंस, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इसको यूनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज ए फ्यूजन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल एलिमेंट्स। क्लियर। द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जो हमारी जुडिशरी है वो कैसी है, इंडिपेंडेंट है। उसको हमारी जो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो जुडिशरी को जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है उन दोनों से क्या रखा गया है, इंडिपेंडेंट यानी फ्री रखा गया है। दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो एग्जीक्यूटिव होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड द लेजिस्लेचर, लेकिन ऐसा जुडिशरी के साथ नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी जो जुडिशरी है वो कैसे, कौन कौन से फीचर्स हैं जो इसे इंडिपेंडेंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, यानी इसके जो भी जजेस होंगे उन जजेस को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। इसके अलावा इनको जो रिमूव करने का पावर है वो भी किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास होता है, और पार्लियामेंट इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू इन जजेस को इनकी फोर्स से क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है, ठीक है, क्लियर। सेकंड,
यदि एग्जीक्यूटिव ने कुछ ऐसे ऑर्डर्स बनाए हैं या लेजिस्लेटिव ने कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को वॉयलेट्स करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो जुडिशरी को ये राइट है कि वो उस लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से भी मोर पावरफुल हो जाती है, क्योंकि यदि क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी लॉज बनाए जाते हैं यदि वो लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं यानी संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बनाए गए हैं तो और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का यदि वो वॉयलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन्हें जुडिशरी जब चाहे तब क्या कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसे रिजेक्ट कर सकती है। क्लियर। द जजेस हैज़ प्रोटेक्टिव प्रोविजन रिलेटेड टू देयर सैलरी, यानी उनकी जो सैलरी है, उनके जो अलाउंसेस हैं, ठीक है, वो सब प्रोटेक्ट करके रखे गए, उनके प्रोविजन्स हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन है, कोई भी डिडक्शन ड्यूरिंग देयर जो टाइम पीरियड होता है, जो टेन्योर होता है, उसमें नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जुडिशियल इंडिपेंडेंस है इज एंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारी जो जुडिशरी है वो कैसी है, इंडिपेंडेंट है, यानी वो हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के टूवर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके अलावा यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कोई भी ऑर्डर दिया है तो उनके ऑर्डर को, उनके फंक्शन को, उनके वर्क को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, यदि सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो जुडिशरी है वो अंडर आर्टिकल 32 के अंडर में 5 types ऑफ रिट्स क्या करती है, इशू करती है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो इस तरह से हमारी जो जुडिशरी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करती है और इसके साथ साथ हमारे इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन के जो लॉज होते हैं, जो लॉज बनाते हैं, उन लॉज को चेक करके कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं बने, और इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हुए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे भी क्या रखती है, कंट्रोल रखती है। क्लियर। द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है, ये ऑप्शन है कि यदि इंडियन को अपनी नीड्स और सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग वो जब चाहे तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट कुछ ऐसे प्रोविजन्स हैं जिसमें अमेंडमेंट बहुत ईजिली किया जा सकता है, जिसको फ्लैक्सीबल कहते हैं, और कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जिनमें अमेंडमेंट करने के लिए एक बहुत ही हार्ड प्रोसेस से क्या करना होता है, पास होना पड़ता है, तो उसे कहते हैं रिजिडिटी। ठीक है, यानी रिजिड मतलब कठोर है, रिजिड है मतलब कठोर है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट क्या है, बहुत ही रिजिड है, और कुछ प्रोविजन है जिनको कि इजीली सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अमेंड किया जा सकता है, तो उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। क्लियर, तो ये जो रिजिडिटी का जो प्रोविज़न है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, वो हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो प्रोविज़न है यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से। अब देखते हैं कि 3 methods हैं जिनके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो कौन कौन से मेथड है, तो पहले मेथड की बात करें कि सम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जैसा कि हमें पता है कि पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं, 2 houses हैं, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। ठीक है, तो दोनों हाउस यदि सिंपल मेजोरिटी से कुछ प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं कि उन प्रोविजन पे यदि दोनों जो हमारे हाउस है पार्लियामेंट के वो सिंपल मेजोरिटी से उसे पास कर देते हैं तो उन प्रोविजन में जो अमेंडमेंट है वो इजीली हो जाता है। तो कौन कौन से वो प्रोविजन्स हैं, तो प्रोविजन्स पे बात करें तो जैसे द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट को फिर से रीऑर्गेनाइज करना मतलब उनके एरिया को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, उसका नाम चेंज करना। ठीक है, मोर देन वन स्टेट को आपस में मर्ज करना या फिर उनका सेपरेशन करना, तो ये कुछ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड प्रोविजन है जिनको कि हम सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अमेंड किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट, बाय द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा यदि किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म करना है या उसे अबॉलिश करना है, ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसा कि हमें पता है कि स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेकिन हमारे इंडिया के ईच एंड एवरी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, उसके लिए वहाँ की जो असेंबली होती है उसको एक जो प्रोविज़न है वो पास करना पड़ता है, एक प्रपोजल पास करके भेजना होता है टू द पार्लियामेंट। तो इस तरह से किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश करनी है या जहाँ पे पहले से इस्टेब्लिश है उसे यदि अबॉलिश करनी है, समाप्त करनी है, तो इससे रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट है वो भी इजीली सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हो जाते हैं।
इट शोज़ फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पता चलता है कि कुछ प्रोविजन्स ऐसे हैं जिनको कि ईजिली अमेंडमेंट किया जा सकता है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लैक्सीबिलिटी को शो करता है, रिप्रजेंट करता है। और ये फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट का जो प्रोविज़न है वो हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से। सेकेंड बात करते हैं कि सेकेंड जो प्रोविज़न है, सेकेंड जो रूल है, मेथड है, वो क्या है कि सम पार्ट द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द टू हाउसेज। यानी दो हाउसेज की कौन सी मेजोरिटी चाहिए? एब्सोल्यूट, देन टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी जो स्पेशल मेजोरिटी होती है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और इसके अलावा जितने भी प्रेजेंट मेंबर्स या प्रेजेंटिंग मेंबर्स हैं हाउसेज की, उसकी कितनी होनी चाहिए? टू थर्ड मेजोरिटी, यानी एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट के साथ टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंटिंग मेंबर। तो दोनों जब होंगे तभी कुछ प्रोविजंस में अमेंडमेंट किया जा सकता है। क्लियर? तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनमें हम इनके थ्रू अमेंडमेंट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू? तो वह फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जो भी SC ST से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उन सब में हम इस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है कि जितने भी पार्लियामेंट के जो दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनकी जो मेजोरिटी है उसका मोर देन 50% जो मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी जितने भी जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के उसके मोर देन 50% जो लोग हैं वो मेजोरिटी करें। इसके अलावा टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए ऑफ द प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग मेंबर। ठीक है, और ये किस कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है अमेंडमेंट? तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 368 में। द थर्ड मैथड इज, यानी थर्ड मैथड क्या है कि कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं कि जिनमें अमेंडमेंट करने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब पार्लियामेंट का जितने भी मेंबर हैं उसका मोर देन 50%। ठीक है, मोर देन 50% मेजोरिटी चाहिए। उसके अलावा जितने भी हाउसेज हैं हाउसेज का टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट है या जो वोट दे सकते हैं दोनों। और इसके अलावा जो स्टेट्स हैं उस स्टेट का हाफ ऑफ द स्टेट है। ठीक है, यानी हाफ ऑफ द स्टेट है उनका क्या चाहिए? उनका सपोर्ट चाहिए, यानी लेस देन लीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जितने भी स्टेट हैं उनका 50% यदि स्टेट लेजिस्लेचर इसको सपोर्ट करती है तभी कुछ प्रोविजंस में क्या किया जा सकता है? अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो ये कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं जिनमें कि इस थर्ड वाले मेथड यानी एब्सोल्यूट या स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, जिसको कि हाफ परसेंट कहते हैं, 50%, उसके अलावा सपोर्ट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनका आधे से ज़्यादा जो राज्य है उनकी सहमति चाहिए, और सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए। तो इस बिहाव पे हम जो अमेंडमेंट कर सकते हैं वो प्रोविज़न कौन कौन से हैं? तो इसमें है रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करें, उनके मैनर की यानी तरीके की बात करें, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन की बात करें, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको कि अमेंडमेंट करने के लिए बहुत ही रिजिड जो प्रोसेस है उससे पास आउट होना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाय द प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट के बिहाफ पे उसे रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का फ्यूजन कहा गया है। और इस तरह से एक प्रोफेसर केसी वियर है, उन्होंने लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेज ए गुड बैलेंस बिटवीन द रिजिड एंड द फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है उसको याद रखना है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में केसी वियर है, उन्होंने क्या कहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेज ए गुड बैलेंस बिटवीन द रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। क्लियर? द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हारमोनी बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें तो यूके का जो पार्लियामेंट है वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है, और यदि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ का जुडिशियल जो सिस्टम है वो क्या है? सुप्रीम है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम रखा गया है। ठीक है, यानी इस तरह से यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है, यानी पार्लियामेंट जो है वो सबसे ऊपर है। इसके अलावा इंडिया में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा गया है, जबकि USA की बात करें यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पे जो वहाँ का जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है? सुप्रीम है ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट। तो इस तरह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के बीच में एक हारमोनी यानी एक मिडिल पाथ को उसने अडॉप्ट किया है। तो कैसे किया है?
तो इस तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू है और जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, यानी जो यूके की है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, और जुडिशियल जो सुप्रीमेसी है वो कहाँ की है, यूएसए की। तो ना तो जुडिशियल सुप्रीमेसी को अडॉप्ट किया गया है, ना यूके की पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को अडॉप्ट किया है। इसके बीच का एक मिडिल पाथ है, उसको अडॉप्ट किया गया है, और दोनों के बीच में एक जो कॉर्डियल रिलेशन है, जो कॉपरेशन है, उसको मेंटेन करने की कोशिश की गई है। तो कैसे किया गया है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट एज द पार्लियामेंट हैज़ बीन मेड सुप्रीम, यानी जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाया गया है, लेकिन हमारी पार्लियामेंट टू कंट्रोल द पार्लियामेंट जुडिशरी हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद द राइट टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कॉन्करेंटली। लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट लॉज बनाएगी, लेकिन इसके साथ ही जुडिशरी को ये राइट दिया गया है कि वो हमारी पार्लियामेंट को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। और कैसे कंट्रोल करेगी, कि वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है या नहीं, इसको चेक करके वो उस पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसके अलावा द सुप्रीम कोर्ट बाय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन डिक्लेयर एनी लॉ इनएक्टेड बाय द पार्लियामेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। यानी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, यदि हमारे पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा लॉ इनैक्ट किया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर सकती है, और उसकी इस पावर को क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, ये चेक करते हैं कि जो भी लॉ बनाया गया है बाय द लेजिस्लेचर, बाय द पार्लियामेंट, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है या नहीं है। यानी भारत के संविधान के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उस लॉज को जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इलीगल, या उसको जो रिजेक्ट कर सकता है, उसको इलीगल डिक्लेयर कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। क्लियर। और इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो हमारी पार्लियामेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ड्यूरिंग सम लास्ट ईयर ड्यू टू जुडिशियल एक्टिविटीज़, जुडिशियल एक्टिविटीज़ क्या है कि यदि जुडिशरी अपने खुद के बिहाव पे भी उसे लगता है कि ये कोई भी यदि सोशल जो वेलफेयर है उससे रिलेटेड इशू है, तो उसमें वो उसको अपनी तरफ से भी जो है अपील कर सकती है, तो इसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविटीज़। और आज के जो टाइम है, प्रेजेंट टाइम में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उसका जुडिशियल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और इसके कारण से जो हमारी जुडिशरी है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। द नेक्स्ट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडवोकेट ऑफ वर्ल्ड पीस, यानी जो वर्ल्ड पीस है, जो विश्व शांति है, उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो कैसे देता है, यदि हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ में आर्टिकल 36 से 51 तक रिटर्न है, उसमें आर्टिकल 51 है वो प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। इसका मतलब क्या है कि स्टेट शैल एंड ओवर टू, यानी स्टेट हमेशा कैसे प्रयत्न करेगा, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी ऐसे काम करेगा जिससे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को क्या मिले, बढ़ावा मिले। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, और जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, उनके बीच में न्यायपूर्ण और ऑनरेबल रिलेशन है, उनको मेंटेन करेगा। हैव रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी, ठीक है, जो इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो लॉज है, उनकी जो ट्रीटी है, उसके लिए वो क्या रहेगा, उसके लिए रेस्पेक्ट रखेगा। इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, उन सबका जो सेटलमेंट है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू करने की कोशिश करेगा। क्लियर। तो ये कुछ प्रोविजंस है जो कि आर्टिकल 51 में रिटर्न है, और ये आर्टिकल 51 है वो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करता है, सिक्योरिटी को प्रमोट करता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है और जो सिक्योरिटी सुरक्षा है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है, बढ़ावा देता है, प्रोविज़न लिखे गए हैं। तो इस भी आप पे हम कह सकते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंटरनेशनल पीस है, जो सिक्योरिटी है, उसको भी प्रमोट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडियन फिलॉसफी है, वो किस पे बिलीव करती है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि द होल वर्ल्ड इज़ फैमिली, यानी पूरा जो संसार है वो क्या है, एक परिवार है। तो इस भी आप पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्ल्ड पीस को क्या किया है, सपोर्ट किया है, और ऐसा कहा गया है कि जो इंडिया है ना तो किसी दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर्स या इंटरनल बॉर्डर में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, और ना ही किसी दूसरी कंट्री के जो इंटरफेरेंस है हमारे इंटरनल मैटर्स में उनको टॉलरेट करेगा। तो इस तरह से हम ना तो किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर्स या इंटरनल बाउंड्रीज में इंटरफेयर करेंगे, और ना ही कोई हमारी यदि बाउंड्रीज या इंटरनल मैटर्स में यदि इंटरफेयर करेगा तो उसको भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से
इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी और पंसिर पॉलिसी को क्या किया है, अडॉप्ट किया है। क्लियर? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में और डिटेल में बात करेंगे। द नेक्स्ट फीचर ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इमरजेंसी पावर। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यदि 18 पार्ट की बात करें, तो जैसे कि हमको पता है कि टोटल अभी 22 पार्ट्स है, तो 22 पार्ट्स में जो 18 पार्ट्स है उसमें हमारी कंट्री की इमरजेंसी पावर को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। और यदि इमरजेंसी की पावर की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पावर है। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, सेकेंड इज स्टेट इमरजेंसी एंड द थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी को डिस्क्राइब किया गया है। नेशनल इमरजेंसी यानी पूरे देश या देश के किसी एक हिस्से में इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी यानी स्टेट या स्टेट के किसी पार्ट में इमरजेंसी, और इकोनॉमिक या फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी यदि पूरी कंट्री में या कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो जो इमरजेंसी इम्प्लीमेंट की जाती है उसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये रिटर्न है आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। ठीक है, ये 368 नहीं आएगा। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में इमरजेंसी पावर्स ऑफ नेशन को डिस्क्राइब किया गया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 352 जो कि हमारी नेशनल इमरजेंसी को डिफाइन करता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 352 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी रूल इन एनी पार्ट और ऑल द पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के जो राष्ट्रपति है उनको ये पावर होती है कि वो इंडिया या इंडिया के किसी एक पार्ट पे क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। और क्यों करेंगे? इफ़ द सिक्योरिटी ऑफ ए पार्ट और ऑल पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। ठीक है, यदि इंडिया या इंडिया के किसी एक पार्ट की सिक्योरिटी को क्या किया गया है, थ्रेटेंड किया गया है, उसको यदि डर है उसकी सिक्योरिटी की, उसकी सुरक्षा का, बाय द वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिवेलियन, या तो युद्ध होने वाला है या बाहरी आक्रमण होने वाला है या सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, तो यदि ये तीनों कारण हो तो इस बिहार पे जो प्रेसिडेंट है वो हमारे इंडिया के किसी एक पार्ट या उसके पूरे पार्ट पे क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 352। और ये जो नेशनल इमरजेंसी है मैक्सिमम कितने टाइम के लिए रह सकती है, इसके लिए जो पार्लियामेंट है वो टाइम टू टाइम प्रपोजल पास करके इसे जब तक चाहे तब तक इम्पोज करके रख सकती है। नेक्स्ट इमरजेंसी की बात करें तो नेक्स्ट इमरजेंसी है स्टेट इमरजेंसी, और स्टेट इमरजेंसी को आर्टिकल 356 में डिस्क्राइब किया गया। और स्टेट इमरजेंसी क्या करती है कि प्रेसिडेंट इस किसी स्टेट या होल स्टेट पे स्टेट इमरजेंसी कब इम्पोज करेंगे कि यदि उस स्टेट का गवर्नर है, यदि वो प्रेसिडेंट को रिटर्न में एडवाइस देता है कि वहाँ का जो भी जो वो है जो गवर्नमेंट है या जो भी वहाँ का गवर्नेंस है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर की एडवाइस पे पर्टिकुलर स्टेट पे स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये जो स्टेट इमरजेंसी है वो मैक्सिमम किसी भी स्टेट पे 3 ईयर्स तक इम्पोज की जा सकती है। क्लियर? यानी गवर्नर की एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट इमरजेंसी इम्पोज करेंगे, और उसके पीछे का रीज़न क्या होगा कि यदि गवर्नर को लगता है कि उस स्टेट का जो गवर्नेंस है, जो शासन है, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो प्रेसिडेंट के गवर्नर की सलाह पे उस स्टेट पे स्टेट इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। और जो स्टेट इमरजेंसी है वो मैक्सिमम कितने सालों के लिए इम्पोज रहेगी, 3 ईयर्स। क्लियर? द नेक्स्ट इमरजेंसी इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर? फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये आर्टिकल 360 में रिटर्न है। और इसमें यदि हमारी कंट्री के एक पार्ट या पूरी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट है वो हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इस फाइनेंशियल इमरजेंसी के थ्रू के टेन्योर के ड्यूरिंग बहुत सारे जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं उन सब की जो सैलरीज है, जो अलाउंसेज है, उन सबको क्या किया जा सकता है, उन सबको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रेसिडेंट या जो राष्ट्रपति है वो 3 तरह की इमरजेंसी हमारे देश, हमारे स्टेट या स्टेट के किसी पार्ट पे या देश के किसी पार्ट पे इम्पोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी को डिफाइन करता है, और यदि प्रेसिडेंट को
एडवाइस दी जाती है बाय द पीएम कि हमारे देश के किसी एक हिस्से या पूरे देश पे एक्सटर्नल वॉर होने वाला है, या फिर वॉर की कंडीशन है, या एग्रेशन है, या फिर आर्म्ड रिवॉल्ट हुआ है, तो प्रेसिडेंट है वो नेशन के एक पार्ट या पूरे नेशन पे नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी को डिफाइन किया गया है कि यदि स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट को ये एडवाइस देता है कि पर्टिकुलर स्टेट का जो गवर्नेंस है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न नहीं हो रहा है, संविधान के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम कितने समय के लिए होता है? 3 सालों के लिए, 3 इयर्स के लिए। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिफाइन करता है कि यदि हमारे देश के किसी एक हिस्से या पूरे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, यानी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट है वो पूरी कंट्री या कंट्री के किसी एक हिस्से में फाइनेंशियल क्राइसिस है यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको इम्पोज कर सकते हैं। और अब तक हमारे देश में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको इम्पोज नहीं किया गया है। द नेक्स्ट फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंगल सिटीजनशिप। तो जैसे कि इसको बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अडॉप्ट किया गया है, यानी 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक नेशनल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। तो इस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स ऑफ सिटीजन है वो हमारे इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, पहली सिटीजनशिप ऑफ नेशन और दूसरी सिटीजनशिप ऑफ स्टेट। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसको अडॉप्ट करने के बाद भी हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 511 यानी 511 में लिखा हुआ है क्या, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए सिंगल सिटीजनशिप ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया फॉर ऑल द पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड देयर इज नो सेपरेट सिटीजन फॉर द स्टेट। यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडिया को सिंगल सिटीजनशिप ऑफ यूनियन यानी जो देश है उसकी सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, चाहे वो हमारे देश के किसी भी हिस्से में रह रहा हो, और इसके अलावा स्टेट की कोई भी सेपरेट सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की गई है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 511 में। ठीक है, और इस तरह से दे आर एंटाइटल्ड टू इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, फ्रीडम प्रोवाइड की गई है, और इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्टेट उनको, और इस तरह से जो इंडियन है उनको सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है। द नेक्स्ट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आइडियल ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए वेलफेयर स्टेट। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आइडियल्स है, जो आदर्श है, जो उसका गोल है, ऑब्जेक्टिव हो क्या है, एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना। तो किस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वेलफेयर स्टेट करने की कोशिश की गई है? तो हम देखते हैं कि थ्रू द प्रोविज़न ऑफ प्रियम्बल, ठीक है, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी दो हमारे पास प्रोविज़न है, एक हमारी प्रियम्बल और दूसरी हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द आइडियल्स ऑफ ए वेलफेयर स्टेट एंड सोशलिस्ट स्टेट। जैसा कि हमें पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों बनाए गए हैं, ये स्टेट को डायरेक्शन देंगे ताकि वो ऐसे रूल्स बनाए, ऐसे पॉलिसी बनाते समय इन डायरेक्शन को ध्यान में रखें ताकि जो स्टेट है वो कैसे इस्टेब्लिश हो, वेलफेयर। इसके अलावा प्रियम्बल की बात की थी हमने कल, तो प्रियम्बल में जो हमारा जो स्टेट है वो कैसा है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यानी जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है थ्रू द डेमोक्रेटिक मीन्स। ठीक है, तो इस तरह से प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनमें आइडियल्स है कि एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश किया जाए, और उसके लिए जो मीन अडॉप्ट किए जाएंगे वो मीन कैसे होने चाहिए, डेमोक्रेटिक, यानी उस पर जो कंट्रोल है वो किसका होना चाहिए, बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट का और लोगों का। द प्रियम्बल एंश्योर टू शो सिक्योर टू द इंडियन पीपल जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी प्रियम्बल में ये लिखा गया है कि हमारे इंडियन पीपल को जस्टिस न्याय दिया जाएगा, और कौन सा न्याय, सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तीनों तरह का जो जस्टिस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो जस्टिफिकेबल नहीं है, यानी इनके अगेंस्ट में हम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। जैसा कि आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 में कहा गया है कि स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी स्टेट ये कोशिश करेगा कि लोगों को क्या हो, वेलफेयर हो। कैसे हो? बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एंड इफेक्टिवली एज इट में।
ठीक है, सिक्योर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा एज इफेक्टिव एट इट में जितनी तरह से वो कर सकता है। ए सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल प्रोवाइड ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लाइफ, ठीक है, यानी नेशनल लाइफ से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे इंस्टीट्यूशन जो लोग हैं उनको सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करके एक सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन करेगी ताकि जो लोग हैं उनको सिक्योर और प्रोटेक्ट किया जा सके, और इस तरह से स्टेट की कोशिश रहेगी कि वो हमेशा वेलफेयर को प्रमोट करेगा। क्लियर? फॉर दिस द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये राइट है कि वो लोगों को क्या प्रोवाइड कराएगी, न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण, फूड, खाना, क्लोथिंग, कपड़ा एंड इम्यूनिटीज ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का जो इम्यूनिटी है वो भी देगी, गुड हेल्थ देगी, हाइजीन देगी, और इसके अलावा जो इंडियन सिटीजन है उनकी लाइफ का लेवल है वो रेज किया जाएगा और इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है वो इस्टेब्लिश की जाएगी, ठीक है। फॉर ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन वेलफेयर स्टेट इज़ ए मस्ट, और यदि हम डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, उसको सफल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टेट का वेलफेयर होना, यानी समाज स्टेट ऐसा हो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, वेलफेयर करे, कल्याण करे, तो वो होना ज़रूरी है। द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेशल प्रोविजन फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेज, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेज है उनके वेलफेयर के लिए भी स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया है दैट इज़ द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज, यानी ईच एंड एवरी वहाँ पे लिंग्विस्टिक की बात करें, कल्चर की बात करें, रिलीजन की बात करें, रेस की बात करें, तो देर आर सो मैनी डाइवर्सिटीज, ठीक है। तो इन डाइवर्सिटीज में इक्वलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, उन्हें इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस है या जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। तो कौन कौन से स्पेशल प्रोविजन है, तो कुछ की बात करते हैं। जैसे आर्टिकल 330 की बात करें तो ये हमारे शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को लोकसभा में रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आर्टिकल 332 की बात करें तो नेशनल लेवल पे जैसे लोकसभा में बाय द आर्टिकल 330 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें आर्टिकल 332 के थ्रू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा एससी एसटी के लोगों को गवर्नमेंट जितने भी सर्विसेज है उनमें जो एज जो टाइम लिमिट है उसको फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अलावा उनके लिए रिजर्वेशन को भी फिक्स किया गया है। आर्टिकल 335 की बात करें तो ओबीसी यानी अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, और ये कब से दिया जा रहा है, 1993 में, ठीक है, 1993 से। द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर टू अदर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जितने भी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन है उन सब की सारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे सुपीरियर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये किस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो पूरे वर्ल्ड की जो बेस्ट क्वालिटीज़ है उनको इंक्लूड किया गया है, और उनमें जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं यानी जो भी कमियाँ हैं उन सारी कमियों को अवॉइड करके, उनकी बेस्ट क्वालिटीज़ को इंक्लूड करके इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, उसको फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जैसे कि पार्लियामेंट्री प्रोविजन की बात करें तो ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये लिया है हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो हमने लिया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो हमने लिया आयरलैंड से, ठीक है। इंडियन यूनियन की बात करें यानी जो यूनिटरी फॉर्म लिया है वो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से, ठीक है। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेस्ट क्वालिटीज़ को इंक्लूड करके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्होंने इंडिया के लोगों के लिए एक यूज़फुल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तैयार किया है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हैंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुपीरियर और बेटर देन अदर कॉन्स्टिट्यूशन, की जो हमारा भारतीय संविधान है वो विश्व के सभी संविधानों में क्या है, बेटर है और सुपीरियर है, सबसे अच्छा है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बाकी जो बचे हुए करेक्टरिस्टिक्स थे, जो फीचर्स थे, उनकी बात की। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो या टॉपिक्स आपको एक बार समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें, ईजिली आपको टॉपिक समझ में आ जाएंगे। और फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डेड आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू शॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी इस लॉकडाउन जो टाइम पीरियड है उसमें हेल्प हो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।